खबर कन्नौज से है, जहां बिजली कटौती के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट पहुंच सपा नेताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अगुवाई में बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित सपाई बोले, बिजली कटौती से फसलें सूख रही हैं, आग बरसती गर्मी में कटौती से करा रहा आम जनमानस। डीएम को ज्ञापन सौंप कटौती बंद करने की मांग की है। सपा नेता बोले, ना बंद हुई कटौती तो सड़क पर उतर कर करना होगा आंदोलन। कितने का प्रदर्शन है आपका? आज हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। साथ में किसान सूखी हुई मक्का लेके आए हैं, उनके पौधे दिखा रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने गहनों को गिरवी रख के सपना देखा था, मक्का पैदा होगी, बेटी के हाथ पीले करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, बच्चों के कपड़े लेंगे। मक्का सूख रही है, किसान टूट रहा है, किसान बर्बाद हो गया, देश की बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है। हम उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं। ये बिजली उत्तर प्रदेश सरकार की वो आवारा बेटी है, जब मनाता जब चली जाती है और कभी कभी तो रात रात गायब रहती है, इससे परेशान हो गए।